नमस्कार दोस्तों, ओवरलोड इंडिया में और एक बार आपका स्वागत है। टाटा का नया इंट्रा लॉन्च हुआ है और आपको ये शक जरूर होगा कि ये इंट्रा किस तरह से अलग है टाटा एस और सुपर एस से। चलो देखते हैं कि इंट्रा मार्केट में आया ही क्यों। दो मॉडल्स और चार वेरिएंट्स है इंट्रा में। पहले का नाम है इंट्रा V10 और दूसरे का नाम है इंट्रा V20। V10 में 800 cc का 40 हॉर्स पावर का इंजन आता है जो एस मेगा में ऑलरेडी मिलता है, और V20 में सुपर एस वाला इंजन है जिससे आप लोग परिचित हैं। हम इस बार इंट्रा V20 जिसका 1100 किलो पेलोड है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंट्रा नाम निकला है इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट शब्द से, जिसका मतलब है सिटी के भीतर का ट्रांसपोर्ट। टाटा सुपर एस बना है इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी के सिटी के बाहर का ट्रांसपोर्ट के लिए। सुपर एस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो दोस्त का मुकाबला कभी नहीं कर पाया क्योंकि उसका कैपेसिटी 1 टन ही था। तो अभी देखते हैं कि 1100 टन कैपेसिटी वाला इंट्रा क्या कर पाता है। हमारे आने वाले वीडियोस का आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। शुरू करते हैं इंजन और गियरबॉक्स से। इंट्रा V20 का इंजन है टाटा का परिचित 1396 cc का इंडिका इंजन, जिसका कॉमन रेल वर्जन यूज किया है। टाटा इसको डाइकोर बोलते हैं। यह इंजन करीब 70 हॉर्स पावर और 140 Nm का टॉर्क देता है। सुपर एस का फर्क इतना ही रहेगा कि 2020 अप्रैल में जब BS6 आएंगे तब सुपर एस मिंट नहीं टिकेगा, बाकी इंट्रा ही रह जाएगा। गियरबॉक्स तो 5 स्पीड वाला है, रेशियो काफी बदले हैं। इंट्रा में 45 डिग्री ग्रेडेबिलिटी है, यानी कि ये कोई भी पहाड़ी रास्ता आराम से चढ़ सकता है। सुपर एस का ग्रेडेबिलिटी 31% के करीब है और इंट्रा पहाड़ चढ़ने में 50वीं सदी ज्यादा सक्षम है। कैबिन और कंफर्ट। इंट्रा V20 का कैबिन सुपर एस मिंट कैबिन से ज्यादा एस मेगा का कैबिन से मिलता जुलता है। सिंपल कैबिन है, मगर टॉप वेरिएंट में एसी और बाकी सारे सुविधाएं उपलब्ध है। सुपर एस का कैबिन कार जैसा कैबिन था, मगर इंट्रा का कमर्शियल व्हीकल जैसा कैबिन है जिसमें वॉक अराउंड फीचर दिया हुआ है। सुपर एस में कैबिन का विड्थ 2 से काफी कम था और यह प्रॉब्लम इंट्रा में दूर किया है। सीट्स अच्छी हैं, क्लस्टर क्लियर है, मगर टू व्हीलर जैसा डिजिटल है। डैश माउंटेड गियर लीवर का पोजीशन बराबर है और स्टीयरिंग टिल्टेबल भी है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, म्यूजिक प्लेयर है, बॉटल होल्डर और USB ऑक्स इनपुट सुविधा भी है। एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स भी है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंट्रा में पावर स्टीयरिंग का फीचर स्टैंडर्ड दिया गया है। चैसिस और सस्पेंशन। इंट्रा में है नया हाइड्रोफॉर्म चैसिस जो सुपर एस के हेड सेक्शन प्रेस चैसिस से काफी बेहतर है। सुपर एस हमेशा पेलोड के मामले में नीचे रहा है और 1 टन पेलोड कैटेगरी में ही रहा। इंट्रा में टाटा ने यह प्रॉब्लम दूर कर दिया है। सुपर एस मिंट और इंट्रा का सस्पेंशन के मामले में काफी करीब करीब है। दोनों भी गाड़ियों में पार्टे वाले सस्पेंशन यानी सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स है। इंट्रा में आगे 6 और पीछे 7 लीफ लगाई गई है जिससे गाड़ी में काफी हद तक ओवरलोड किया जा सकता है। बात करते हैं गाड़ी की बॉडी की लंबाई के बारे में। अभी आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इंट्रा का जन्म क्यों हुआ है और यह गाड़ी सुपर एस और मेगा एक्सेल से कैसे अलग है। इंट्रा का लोड बॉडी इस सेगमेंट का सबसे बड़ा लोड बॉडी है और इसकी लंबाई है 2512 mm और चौड़ाई है 1602 mm। इसका मतलब है कि इस गाड़ी का लोडिंग एरिया 4.02 स्क्वायर मीटर है। सुपर एस देखा जाए तो लोडिंग एरिया है 3.8 स्क्वायर मीटर जिसकी लंबाई है 2030 mm। दूसरी ओर दोस्त स्ट्रांग की लोड बॉडी की लंबाई है 2500 mm और चौड़ाई है 1620 mm। इसके बावजूद उसका लोडिंग एरिया है करीब करीब 4 स्क्वायर मीटर। देखिए गाड़ी की चौड़ाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। गाड़ी बनाने वालों को इससे साफ बेनिफिट होते हैं। एक चीज व्हील बेस छोटा रख सकते हैं और दूसरी ओर टर्निंग रेडियस को भी कम रख सकते हैं,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गाड़ी का वजन भी कम रख सकते हैं और उसके साथ पेलोड कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ओवरलोड की क्षमता के बारे में अगर बात करें, टाटा की गाड़ियों में तो ओवरलोड की क्षमता हमेशा से रही है। इंट्रा का रेटेड लोड है 1100 kg। ये सुपर एस से 100 किलो ही ज्यादा है, मगर असल में यह इंट्रा का एंट्री लेवल या फर्स्ट मॉडल है। आगे आने वाले मॉडल्स में आप उसमें 1.5 टन तक का भी पेलोड देख सकते हैं। व्हील्स और टायर्स, इंट्रा में है 165R14 8PR LT टायर जो एस मेगा में भी मिलते हैं। ये सेगमेंट के लिए ठीक तो है, मगर अगर आप 1.5 टन का ऊपर का लोडिंग करना चाहें तो उसमें 10PR के टायर ही ठीक रहेंगे। हम देखेंगे कि आगे आने वाले इंट्रा के मॉडल्स में कौन से टायर का विकल्प आता है। चलाने की लागत, इस गाड़ी का GVW सुपर एस से 150 kg कम है और दो स्ट्रांग से 200 kg कम है। इसका मतलब है इस गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी यानी फ्यूल एवरेज थोड़ा बेहतर होने की संभावना है। स्क्वायर पैटर्न वाला पैसेंजर कार इंजन होने की वजह से ओवरलोड में आपका एवरेज कम हो सकता है, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि इस गाड़ी में 1.5 टन से ज़्यादा लोड मत चढ़ाइए। फ्यूल एवरेज का फाइनल इन्फॉर्मेशन हम 2 महीने के अंदर आप तक पहुंचाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमको मार्केट से मिलेगी। अंतिम निर्णय की अगर बात करें तो अगर इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। यह एक पैसेंजर कार का इंजन है और इसमें खाली 140 Nm का टॉर्क मिलता है, जो इस स्टैंडर्ड की गाड़ियों में काफी कम माना जाता है। 1100 किलो पेलोड के साथ ये गाड़ी 2 के सेगमेंट से नीचे वाले सेगमेंट में आती है, जिसका कैपेसिटी है 1.25 टन। तो हम चाहते हैं कि इस गाड़ी को हम 2 से नीचे वाले एक सेगमेंट में डाल दें। वारंटी की अगर बात करें तो इस गाड़ी में 2 साल या 72,000 किलोमीटर की वारंटी दी गई है, जो कि 2 से कम है। इंट्रा में काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी है, मगर गाड़ी का दाम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इस गाड़ी का पेलोड 2 से कम है तो इस गाड़ी की कीमत भी 2 से कम होनी चाहिए। हम इंट्रा के V20 को 2 के 1.25 टन वाले स्ट्रांग वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो हम चाहते हैं कि इंट्रा की कीमत कम से कम 25,000 से 40,000 रुपए से कम होनी चाहिए। टाटा ने इसका कीमत रखी है 5,85,000, जो कि 2 से ज्यादा है। 2 सिलेंडर वाले इंट्रा का V10 का जो प्राइस है वो है 5,35,000, जो कि महिंद्रा के सुप्रो HD से भी 50,000 रुपए ज्यादा है। इतना तो बताना पड़ेगा कि सुप्रो HD में भी आगे पीछे रिजिड सस्पेंशन और हाइड्रोफोम चासिस है, और कैबिन भी इंट्रा से कुछ कम नहीं। इंट्रा में जो मल्टी मोड वाला इंजन दिया है वो तो आजकल सभी गाड़ियों में आ रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या इतना ज्यादा पैसा दे के आप इंट्रा खरीदना चाहेंगे? उत्तर है नहीं। अगर इंट्रा ठीक दाम में मिलेगी तो ही लेना बेहतर है। इस दाम में हम इसको वैल्यू फॉर मनी नहीं कह सकते। हाँ, अगर इस गाड़ी का पेलोड कैपेसिटी 1.25 टन होता तो हम इस गाड़ी को एक मौका दे सकते थे। हमारा कहना यह है कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आपके लिए लुक्स बहुत मायने रखते हैं तो खूब जाके इंट्रा लीजिए, नहीं तो मार्केट में ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो सेम काम कर सकती है या इससे भी ज़्यादा काम कर सकती है और उससे भी कम दामों में। बहुत जल्द और एक वीडियो लेकर हम आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।